अच्छा पहले तो ना ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, ठीक है? बीच में उछलना कूदना नहीं है। किसी कंक्लूजन पर आकर कमेंट सेक्शन में वो मत कर देना जिसे साफ करने के लिए हार्डपिक यूज करना पड़े। क्या बोल रहा बहुए? और क्या, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ आप में से कई लोग वीडियो देख के चुपचाप निकल लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करो, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम पे भी हमको फॉलो करना, ठीक? अच्छा ठीक है, पठान की बात करते हैं। 11 बजे ट्रेलर आ गया। हाँ देखा हमने, इसमें शाहरुख खान है। अच्छा फिर अक्षय कुमार। क्या अक्षय कुमार कहाँ है? पूरा तो सुन। हाँ बोल। अक्षय कुमार की सासू माँ है। गजब डूबीवाज आदमी। सॉरी। अब इसी के साथ अजय देवगन भी होते तो जुबान केसरी हो जाता, लेकिन ठीक है इतना ही संभालना मुश्किल हो गया। क्या ट्रेलर पर आते हैं और देखो इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। 300 रुपए के टिकट के लिए अब क्या ही अच्छा बुरा बताएं। टिकट खरीदना तुमको है, मर्जी तुम्हारी। मैं यहाँ बस कुछ चीजें पॉइंट आउट करूंगा और डिसीजन आपके ऊपर छोड़ूंगा। तो देखो दोस्तों, एग्जाम में किसी दूसरे की कॉपी से टीपना भी एक कला है। जिसको करनी आती है वो एग्जाम निकाल लेता है और जिसको नहीं आती वो पकड़ा जाता है और फिर उसकी कहानी खत्म। तो पठान का ट्रेलर भी हमको ऑफर क्या करता है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। अब उसको रोकने के लिए शाहरुख खान यानी पठान नाम की एक स्पाई को बुलाया जाता है जो बहुत सालों से गायब है। उसके साथ ही एक लेडी सोल्जर भी आती है, दीपिका पादुकोण। अब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया है जॉन अब्राहम। अब ट्रेलर की कहानी बस यही है कि हमला होने वाला है और पठान को उसे रोकना है। वेरी डेंजरस। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी कहानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। सच में बोल रहा हूँ, ऐसे यूनिक आइडिया लाने के लिए मैं मेकर्स को ग्रैंड सैल्यूट भेजता हूँ। अच्छा सरकैज़म। अरे आगे सुनिए, अभी रुकिए और सुनिए, अभी और सुनिए। साथ ही मिशन इम्पॉसिबल, विंटर सोल्जर, फास्ट एंड फ्यूरियस और जेम्स बॉन्ड जैसी हॉलीवुड फिल्मों की सीडी भी भेजता हूँ कि देखिए सर, देखिए हॉलीवुड वाले कैसे आपको कॉपी करते हैं, बात करते हो हैं? अमेरिका का दलाल बहन। अब ट्रेलर फुल ऑन एक्शन पैक्ड है। कहीं कहीं तो इतना एक्शन है कि तरीके से शाहरुख खान भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो लगता है एडिटर को एक कैंची तेज कड़ा के दे दी गई है कि भाई काटना है जैसे वैसे काट ले तू। सबसे पहले उसने हमारा काटने का डिसाइड किया, फिर इतने कट सीन्स ट्रेलर में डाले हैं कि वो ठीक से फ्रेम भी नजर नहीं आ रहा। खैर फिर भी हमने कुछ सीन्स देखे हैं। एक तो वो हेलीकॉप्टर वाला शॉट इतना नेचुरल VFX है कि मैं जानना चाहूंगा कि दुबई की कौन सी बिल्डिंग ऐसे मार के गिराई है आप लोगों ने, बताइए बताइए। उसके बाद हवा में दीपिका और शाहरुख उड़ते हैं। न्यूटन चिचा की कसम, इस पर CBSE वाले 5 नंबर का सवाल बना रहे हैं कि दोनों ऊपर से छोड़े जाएं तो नीचे पहले कौन टपकेगा? हेलीकॉप्टर या ट्रेलर का VFX, फिर वो ट्रेन एक्शन सीक्वेंस है। वहीं मैंने मार्वल वालों को 100 लानतें भेजी हैं। चोर कहीं के मार्वल, हमको ये चोरी करके एक्शन सीक्वेंस दिखाया तुमने। इसके बाद वो बस पे एक्शन सीन है, तब मैंने विन डीजल को फोन लगाया। अमरीका की योगी जी, अमरीका का दलाल बहन, ये वाले सीन्स आपने पठान से क्यों कॉपी की? उनसे मैंने बोला। वहीं शाहरुख के चेहरे पर मेकअप से ज्यादा तो खून नजर आता है। ये उनको इतना डेडली दिखा रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि वो शाहरुख ही है ना। बाकी जॉन के आधे दर्जन पैक्स वो एडवर्टीजमेंट बोर्ड है जिस पर उनकी हर फिल्म बेची जाती है। सब मिलाकर ट्रेलर वही है जो आपने अभी तक इसको समझा है। अच्छा बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि गजब का इंटॉलरेंस कॉमेंट में हो जाता है भाई साहब। बस हवा निकल गई। खैर सब मिलाकर सीरियसली यही कहना चाहेंगे कि कहीं से इंस्पिरेशन लेना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन कनेक्ट करना जरूरी है ऑडियंस से। लाउड म्यूजिक से लेकर कोई भी एक्शन सीन में वो वाओ लेवल का तो नहीं लगा हमको जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। डायलॉग भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं थे। अपनी भारत माता को मेरा आखिरी सलाम कहना, अबे आज के टाइम में ऐसा डायलॉग कौन बोलता है ब्रो? और जो बोलता है उसको बोलो ऐसे न बोला करे। या एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि उसको देश ने क्या दिया, वो ये देखता है कि उसने देश के लिए क्या किया है। भैया हर 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे इनबॉक्स में व्हाट्सएप में ये मैसेज होता है, कितनों को तो हमने खुद फॉरवर्ड किया है। और मेहमान नवाजी के लिए पठान आ रहे हैं, साथ में पटाखे भी ला रहा है। ये डायलॉग मुझे अच्छा लगा, लेकिन उन पटाखों का क्या फायदा जो हर दिवाली कोडट बैन कर देती है कि नहीं? कुल मिलाकर बहुआ भाई थोड़ा निराश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 4 साल बाद अगर कुछ आने वाला था तो वो ऐसा होगा ये हमने सोचा नहीं था। दूसरी बात ये कि मैं ये सोच रहा था बैठे बैठे। क्या सोच रहा था बहुआ? कि अगर इसके प्लॉट में थोड़ा ट्विस्ट कर देते तो। क्या मतलब? मतलब इसमें अगर शाहरुख खान को हीरो की जगह विलन बना देते तो। सोचो वो इंडिया के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है और वो इंडिया पे हमला करना चाहता है और एंड में उसका वही हाल होता है जो डर पिक्चर में विलन होने के नाते उसका हुआ था। तो सोचो कितने ट्विस्ट एंड टर्न आ सकते थे। और इस एक्सपेरिमेंट को देख के लोग एक्साइटेड भी होते हैं कि नहीं? वैसे आप लोगों का क्या कहना है ट्रेलर देखने के बाद, वो रिएक्शन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अपना नाम लिखना मत भूलना और हमको टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करना। बाकी इस ट्रेलर के बारे में आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन हम शाहरुख के फैन होने के नाते उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे कि भैया चाहे जैसा भी ट्रेलर हो, उम्मीद करते हैं पैकेज सरप्राइज मिलेगा जब पूरी पिक्चर हम देखेंगे तो। बाकी आपका क्या रिएक्शन है उसका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू जल्दी जल्दी। जय हिंद।